वेलकम टू पकवाने खास। आज मैं बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड है, वो है बटर केक, और बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार है। हम शुरू करते हैं बटर केक बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अच्छी क्वालिटी का बटर ले लें, दैट इज़ 250 ग्राम, और इसमें हम डाल देंगे, ये रूम टेम्परेचर पे बटर है, और इसमें मैं डाल दूंगी 250 ग्राम्स ऑफ शुगर, ठीक है। और ये नॉर्मल शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं वही शुगर है, और हम इसको बीट कर देंगे अच्छे से। ये इस तरह से बीट हो गया हमारा, जो आपका बटर और शुगर है वो अच्छे से बीट करना आपने, ये थोड़ा क्रीमी और फ्लफी हो जाए। नाउ वी विल ऐड 4 eggs, 1 by 1 आप ऐड करोगे। पहले एक एग गया तो इसको थोड़ा सा बीट करेंगे, देन वी विल ऐड द सेकेंड वन, ऐड द सेकेंड वन एंड बीट अगैन, थर्ड वन, फिर से बीट करेंगे बहुत अच्छे से, फोर्थ वन। अब फोर्थ एग ये लास्ट वाला मेरा एग है, इसके बाद मैं बीट करूँगी और फिर इसके बाद करेंगे 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस। लेमन जूस से क्या होता है कि अंडे की जो स्मेल आती है, मुझे तो बहुत आती है, तो वो नहीं आएगी। और इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 teaspoon ऑफ वनीला एसेंस, वो भी एग स्मेल को रिमूव कर देगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का वनीला एसेंस होगा तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको थोड़ा सा बीट करेंगे हम। 250 ग्राम्स ऑफ केक फ्लावर ले लिया है मैंने, और इसमें मैं डालूंगी 3 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये सब इसमें डाल के, और ये हम थोड़ा सा छान लेंगे, और उसको इसमें थोड़ा थोड़ा छान कर ग्रेजुअली हम इसमें मिक्स करेंगे। हम इसको मिक्स करेंगे और साथ में इसके 1/4 cup ऑफ मिल्क मैंने लिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मैंने अब डाला है फ्लावर का, और लास्ट में हम डालेंगे मिल्क, और फिर इसको आपने हाथ से ऐसे हल्का हल्का मिक्स करना है, ओवर बीटिंग नहीं करनी है आपने, बीटर यूज़ नहीं करना। अभी लास्ट में हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप बैटर किस तरह का आपका, इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए आपके केक बैटर का। जब तक मैं ये रेडी करी थी मैंने ओवन को ऑन कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस पे। 10 मिनट्स आप पहले ओवन को ऑन कर दिया करें, जब आप प्रिपरेशन करते हैं केक की स्टार्ट, उसी टाइम आप ओवन को ऑन कर लिया करें, ठीक है। तो ये बैटर आपका रेडी है, अब हम इसका केक टिन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये है केक टिन, ठीक है। ऑयल से ब्रश कर लूँगी, ठीक है। ऑयल आप ले लें थोड़ा सा, उसको ब्रश कर लीजिए ऑयल, ठीक है, लाइक मैं ये मैं बटर पेपर रखूँगी ताकि हमारा केक जो है वो नीचे से स्टिक ना हो जाए, ठीक है। एक और भी तरीका, अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये बैटर मैं इस केक टिन में डाल दूँ, अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से आलमंड्स काटे हैं तो वो मैं डाल दूँ, डेकोरेशन हो जाएगी और अच्छे लगते हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और एक लुक भी अच्छी आती है आपके केक की। आप चाहो तो वॉलनट्स भी डाल सकते हो, किशमिश, कोकोनट, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड। मैं इसको ओवन में बेक करूँगी 200 डिग्री सेल्सियस पे फॉर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, ठीक है। ये देख सकते हैं इसको मैंने 40 मिनट्स के बाद ओवन से भी अभी बाहर निकाला है, और इसका रिजल्ट देखें आप कितने अच्छे से फूला है। अब हम इसको चेक करेंगे सही से अंदर से पका है कि नहीं। एक टूथपिक ले लें, उसको इसके अंदर इंसर्ट कर लें, ठीक है। अगर ये बिल्कुल क्लीन बाहर जैसे आ गई है तो उसका मतलब आपका केक अच्छे से पक गया अंदर से भी। और ये देख सकते हैं सॉफ्ट है पर ये गर्म है अभी बहुत। अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे इस केक को। मैंने इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसको इसमें से निकाल दूँगी केक टिन में से, ठीक है। इसको आप बस इस तरह से पलटेंगे और ये आराम से निकलेंगे, ठीक है। और इसका जो बटर पेपर है वो हम रिमूव कर लेते हैं। आप रिमूव कर लीजिए और मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से देख सकते हैं आप, इसको मैंने कट किया है, ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल परफेक्टली बेक
केक है ये देखिए, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बटर केक से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।